यस उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से मैं कुमार मंगलम आज आप सभी के बीच मीरा पाठ और विश्लेषण विषय पर बातचीत करने को प्रस्तुत हूँ। पद्य साहित्य एक BA HL 201 में शामिल पद बस्या महारे नयनन मानंद लाल की पाठ और व्याख्या मैं आज प्रस्तुत करूंगा। यह पद मीरा का पद है और इसे मीराबाई पदावली से लिया गया है जो मीराबाई की स्फुट पद हैं। मीराबाई अथवा मीरा सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि हैं। कई आलोचकों ने इन्हें संप्रदाय निरपेक्ष कवि भी माना है। मीरा का जन्म विक्रमी संवत 1555 में राजस्थान के मेड़ता के राठौर राजवंश में हुआ था और मृत्यु द्वारिका में विक्रमी संवत 1604 में हुआ। इनकी चर्चित कृतियां हैं गीत गोविंद की टीका, नरसी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, नरसी मेहता की हुंडी, स्फुट पद इत्यादि। मीरा के स्थान को लेकर के आलोचकों में कई तरह की बातें आलोचकों द्वारा की जाती है। अब आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास में भक्ति काल के फुटकल कवि में मीराबाई को शामिल किया है। आचार्य शुक्ल के इतिहास में फुटकल कवि वे हैं जो अपने आने वाले समय का पता देते हैं, यानी कि एक काल जो जा रहा होता है और एक काल जो आने वाला होता है, उनके पदों में उनका संकेत मिलता है। मीराबाई का जो समय है वो भक्ति काल और रीति काल का संधि स्थल है, किंतु भक्ति की प्रधानता के कारण और मीरा के भक्त अनन्य भक्त होने के कारण ये भक्तिकालीन कवि कही जाती हैं। आप याद कीजिए जब तुलसीदास ने कहा था, कवि न होऊं नहीं चतुर कहावऊं, मति अनुरूप राम गुण गावऊं। तो यहाँ कवि होने की जिद नहीं थी, यहाँ कवि मन अपने को कवि मनवाने की जिद नहीं थी, यहाँ भक्त होने की जिद थी, राम गुण गाने की जिद थी। और वहीं रीतिकाल के कवि कहते हैं, आगे के सुकवि रीझिहें तो कविताई, न तो राधिका सुमिरन राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यानी कि बहाना है भक्ति, उन्हें तो कविताई करनी है। वो वहाँ कवि और कविता प्रमुख है, भक्ति पीछे है। और वहीं भक्ति काल में जब तुलसीदास कहते हैं, कवि न हूँ नहीं चतुर कहाऊँ, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो अपने बुद्धि और मति के अनुरूप राम गुण गाता हूँ, मैं भक्त हूँ। तो ये जो भक्त और कवि का द्वंद्व है, उस द्वंद्व में मीरा प्रमुख होती हैं और अपने को भक्त कहती हैं, भक्त मानती हैं, वह भक्त हैं। इसलिए मीराबाई भक्तिकालीन कवि हैं, भक्त कवि हैं। मीरा की जो भक्ति भावना है वह श्रीमद् भगवत में वर्णित माधुर्य भक्ति शाखा की भक्ति है। सगुण भक्ति में अपने सर्वस्व को न्यौछावर कर देने के की भक्ति है, वैष्णव भक्ति है। और उस भक्ति वैष्णव भक्ति का जो विशिष्ट स्वर है मीरा के पास, वह भक्तों में मीरा को ध्रुव बनाता है, अग्रगण्य बनाता है। मीरा के जो आराध्य हैं वो श्री कृष्ण के सभी रूप हैं। मीरा अपने आराध्य के किसी एक रूप का वर्णन नहीं करते। जैसे सूरदास के आराध्य बाल कृष्ण है, वैसे मीरा का जो आराध्य है वो संपूर्ण कृष्ण है। मीरा का आराध्य गोपाल भी है, गिरिधर भी है, रणछोड़ भी है, कान्हा भी है, गोविंद भी है, कृष्ण भी है। और गीता का उपदेश देने वाला रणनीतिकार कृष्ण भी है। अर्थात मीरा
ने कृष्ण को जब जैसे जैसे चाहा वैसे अपने पदों में इस्तेमाल किया। मीरा की जो काव्य भाषा है वह प्रमुखतः राजस्थानी और ब्रज ही प्रमुख हैं, लेकिन उनमें अन्य भाषाओं के भी तत्व मिलते हैं, वो चाहे पंजाबी हो या गुजराती हो। आप सभी को ज्ञात हो कि मीराबाई अपने अंतिम समय में गुजरात के द्वारिका में चली गई थी और वहीं उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो गुजराती प्रभाव भी मीरा पर, गुजराती भाषा का प्रभाव कैसे न पड़ता। तो उनके पदों में गुजराती भी मिलती है, पंजाबी भी मिलती है, ब्रज भी मिलती है, राजस्थानी भी मिलती है। राजस्थानी भाषा का अगर उदाहरण देखना हो तो यह जो पद है उसमें तो है ही, इसके अतिरिक्त भी अन्य सारे कई सारे पद हैं। जैसे एक पद तो आपके लिए यहाँ है, थे तो पलक उघाड़ो दीनानाथ। ब्रज का देखना हो तो यह विधि भक्ति कैसे होए। पंजाबी देखनी हो काना किन गुथी जुल्फा कारियाँ, यह पंजाबी में है। और गुजराती में देखनी हो तो प्रेमनी 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 रे मने लागी कटारी प्रेमनी, ने प्रेम की प्रेम की प्रेम की रे मुझे प्रेम की कटारी लग गई। मीराबाई का यह जो प्रेम है वह अपने आराध्य के प्रति है, आराध्य के प्रेम की कटारी मीराबाई को लगी है। आप जानते हैं कि माधुर्य भक्ति में भक्त जो होता है वह प्रेमी होता है और उसके प्रेम का आश्रय जो होता है वो भगवान होता है। तो मीरा का पति भी श्री कृष्ण है, मीरा के प्रेमी भी श्री कृष्ण है, मीरा के आराध्य भी श्री कृष्ण है। अब दो विशिष्टताओं के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। एक जनश्रुति है मीरा को लेकर के कि मीरा पर जब उनके घर वालों ने दबाव बनाना शुरू किया, मीरा को जब रोकना शुरू किया। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान के राजपूत घरानों में बहुत लंबे वक्त तक मीरा नाम किसी लड़की का नहीं रखा जाता। मीरा विद्रोहिणी थी, प्रेम में प्रेम अपने आप में विद्रोह है। मीरा ने विद्रोह किया था, उन्होंने अपने राजकुल को त्यागा था। भावावेश में भावुक होकर के वे श्री कृष्ण को प्रेम करती थी और यह बर्दाश्त नहीं था उनके घर वालों को। तो उन पे तरह तरह के उन पर जुल्म होते थे। आप याद करें मीरा का वह पद, राणा ने भेजा विष को प्याला, तो उन्हें मारने की भी कोशिश की गई। तो मीरा ने, यह जनश्रुति है कि तुलसीदास से पूछा था एक पद लिख करके, उस पद में उन्होंने कहा था, घर के स्वजन हमारे जेते संबंध उपाधि बढ़ाई, साधु संग और भजन करत मोहि देत क्लेश महाई। तब तुलसीदास ने मीरा को यह पद लिखकर भेजा पत्र के जवाब में। और यह भी माधुर्य भक्ति का अद्भुत पद है। और देखिए कि यह दो सगुण भक्तों, ठीक है कि मीरा कृष्ण की उपासना करती थी और तुलसी राम के उपासक थे, लेकिन यह जो अंतर संबंध है, यह जो उन दोनों के बीच की सगुण का संवाद है और सगुण के प्रति उनकी जो आस्था है वह किस तरीके से उद्भूत होती है। मीरा के आराध्य श्री कृष्ण और तुलसी के आराध्य राम। तुलसीदास कहते हैं, जाके प्रिय न राम वै देही, सोनर तजिए कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। वह करोड़ों बैरी के समान उसे तज दीजिए, उसे अपने जीवन से निकाल दीजिए, जैसे वो करोड़ों का बैरी हो। अगर वह परम स्नेही भी हो, आपका स्नेह का पात्र भी हो, तो वह व्यक्ति करोड़ों बैर रखने वालों के समान है जिसके प्रिय राम और सीता ना हो, जो सिया राम है। तो तुलसीदास कहते हैं, जाके प्रिय न राम वै देही, सोनर तजी कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही। नाते सभी राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। और वही नाता,
वही प्रेम, वही संबंध हमें स्वीकार्य है जो राम के संबंध को मानता हो। अंजन कहाँ आँख जो फूटे, बहुतक कहाँ कहालो। तो यह जो संवाद है, यह भले ही जनश्रुति हो, भले ही प्रामाणिक नहीं हो, लेकिन इस प्रकरण से जो दो भक्तों के बीच का आपसदारी है, जो दो भक्तों की भक्ति का स्वरूप है, वह सामने तो जरूर आ जाता है। ठीक इसी तरह का संबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने उदाहरण में देते हैं, जहाँ से हम यह पा सकते हैं कि मीराबाई अपने समय से कैसे संलग्न थी। वे भक्ति में तो थी, लेकिन तत्कालीन समय की भक्ति से वो अनभिज्ञ नहीं थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं मीरा के बारे में, मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने इष्ट देव की भावना प्रियतम या पति रूप में करती थी। इस भाव की साधना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इस ढंग की उपासना का प्रसार सूफी भी कर रहे थे, उनका कुछ प्रभाव इन पर जरूर पड़ा होगा। आगे वे विशिष्टता बताते हैं, वे कहते हैं मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभाजी, ध्रुवदास, व्यास जी, मलुकदास आदि सब भक्तों ने किया है। यहाँ पे दो बिंदुओं पे आप ठहर सकते हैं। एक बिंदु है कि अगर माधुर्य भाव की भक्ति है तो उसमें रहस्य का समावेश अनिवार्य होगा। दरअसल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब अपनी आलोचना लिख रहे थे तो उस समय छायावाद का समय था, और छायावाद पे भी रहस्यवाद का, खास करके महादेवी वर्मा की कविताओं में वो रहस्यवाद देख रहे थे। दरअसल वो रहस्य कौन सा है? वह रहस्य यह है कि अपने प्रियतम या अपने आराध्य के प्रति सांसारिकता को त्याग कर एकमेक हो जाना रहस्य का हिस्सा है। अब हम लोग मीरा के पद पर आएंगे, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। मीरा का पद जो है आपके सिलेबस में वो यूं है, और उसका एक पाठ भेद भी मिलता है। बस्या महरे नैनन मानंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक सुहाभाल, मोहन मूरत सावरा सूरत, ऋण बंड्या विशाल, अधर सुधारस मुरली राजा, उर्वैजंती माल, मीरा प्रभु संतो सुखदाया, भक्त वछल गोपाल। तो आप देखें कि इस पद में जो ळ शब्द की आवृत्ति है, या इस पद की जो भाषा है, वह राजस्थानी मिश्रित ब्रज है। रैणन जो है वह नैन आँखों का राजस्थानी रूप है। ठीक उसी तरह बस्या बसने का राजस्थानी रूप है। महारे यानी मीरे, यह भी राजस्थानी रूप है। तो इस पद में राजस्थानी का प्रभाव है, और इसका जो पाठ भेद मिलता है वो यूँ मिलता है। बसो मेरे नयन नमे नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक शोभिभाल, मोहन मूरत सांवली सूरत, नयन बनो विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती माल, मीरा प्रभु संतन सुखदायक, भक्त वत्सल गोपाल। यानी कि नंदलाल जो हैं, जो नंद के लाल हैं, यानी नंद के पुत्र, और नंद के पुत्र कौन है? श्री कृष्ण हैं। वह श्री कृष्ण, वह नंदलाल मेरे नैनों में आकर बस जाएं, यानी मैं जिधर भी देखूं उधर वे ही दिखे। कबीर याद आते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखो तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। यानी नंदलाल मेरे आँखों में ऐसे बसे हैं कि मैं जिधर देखूं उधर नंदलाल ही दिखें, जो मुझे दिखे, चूँकि वह मेरे नैनों में बसे हुए हैं तो वही दिखे। सामीप्य है अपने आराध्य का। मीरा चाहती हैं कि उनका जो आराध्य है उनके आसपास रहे, उनके नैनों में रहे। और वो कौन रहे? मोर मुकुट,
वह जो मोरों का मुकुट पहनता है, मोर पंख का, और मकराकृत कुंडल, मकर और आकृति को मिला करके बना है मकराकृत। मकर यानी मछली और आकृत यानी आकृति, मछली के आकारों का जो कुंडल पहनता है, और अरुण तिलक शोभे भाल, और जिसके ललाट का जो तिलक है वह सूर्य की तरह शोभायमान हो, वैसा व्यक्ति मेरे नैनों में बसे। कौन? जिसका संपूर्ण रूप मूरत जो है, जिसकी जो मूर्ति है वो मोहन है। मोहन अर्थात मन को मोहने वाला, जिसको देखने के बाद किसी और को देखने की चाह नहीं रह जाती। आप उर्दू के उस गजल को याद कीजिए, उन्हें ये जिद कि मुझे देख कर किसी को न देख। तो ऐसी मूर्ति, ऐसा आकृति वाला, ऐसा शरीर वाला मोहन, और मोहन श्री कृष्ण को भी कहते हैं, वह मोहन मूरत वाला मेरे मन में, मेरे नैनों में बसे। और कौन बसे? जिसकी सूरत सांवली हो, जिसकी काया, जिसका वर्ण, जिसका रंग सांवला हो। श्री कृष्ण सांवले थे और राधिका गोरी थी, तो वैसा सांवला और सांवरा, सांवरे प्रिय भी, तो वह सांवला, वह सांवरा सूरतों वाला मेरे मन में बसे। और नयन बनो विशाल, और जिसके नयन जो हैं वो बड़े बड़े हैं, जिनमें वह पूरी दुनिया देख, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी हैं, वह श्री कृष्ण, बड़े बड़े आंखों वाला श्री कृष्ण हमारे नैनों में बसे। और अधर सुधा रस मुरली राजत, राजत यानी जो शोभायमान है, यानी कि जिसके अधरों पर अमृत रूपी रस का पान करने वाली मुरली राज करती है। श्री कृष्ण की जो मुरली है वह अधरों का अमृत पीती है, उस पर राज करती है। वह मुरली धारण करने वाला श्री कृष्ण, उर वैजंती माल, और जिसके हृदय पे वैजंती का माला, जिसने वैजंती माला पहना है, वैजंती माल श्री विष्णु पहनते हैं, वही वैजंती माल श्री कृष्ण भी पहनते हैं, क्योंकि विष्णु और श्री कृष्ण एक हैं। तो वैसा वैजंती माल पहनने वाला जो मीरा का प्रभु है, जो संतों को सुख देता है, जो भक्त वत्सल है, भक्तों के प्रति वात्सल्य रखता है, ममत्व रखता है, प्रेम रखता है, और जो गोपाल है, जो गौओं को पालता है, वैसे नंदलाल, वैसे मेरे आराध्य मेरे नैनों में बस जाए। शब्दार्थ जो कठिन है वो मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं दोहरा दूँ। बस्यों यानी बसो, महारे यानी मेरे, मकराकृत अर्थात मछली के आकार का, शोहा यानी शोभायमान, शोभने वाला, भाल अर्थात माथा, ललाट, सुधारस अर्थात अमृत जैसा, राजा यानी सुशोभित, शोभने वाला, भक्तवत्सल यानी भक्तवत्सल, यह पद मीरा पदावली से लिया गया है। आराध्य कृष्ण के मनमोहक रूप सौंदर्य एवं आराध्य के सामीप्य की इच्छा की प्रार्थना से अनुप्रेरित यह पद, जिसमें अनुप्रास के अलावा यमक अलंकार भी शामिल है, अलंकार शामिल है इसमें, भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज है, और इस पद की गेयात्मकता, लयात्मकता और रागात्मकता ऐसी है, यह इतनी मोहक है कि आज भी इसे विभिन्न रागों में भजन के रूप में गाया जाता है। इसमें श्री कृष्ण के सामीप्य की आकांक्षा और उनके स्वरूप के अलंकार का वर्णन भी शामिल है। ठीक इसी भाव की एक कविता बिहारी की भी है, शीश मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उरमाल, यह बानक सो मन बसो सदा बिहारी लाल। बिहारी का दोहा है, बिहारी लाल श्री कृष्ण को भी कहते हैं,
और वे भी कहते हैं कि जिसके शीश पर मुकुट हो, कमर में काछनी हो, कर में मुरली हो, हाथ में मुरली हो और गले में माला हो, ऐसा बाणी धारने वाला, ऐसा भेष धरने वाला, जो वो मेरे मन में हमेशा बसे रहे, ऐसा बिहारी लाल हमारे मन में बसे, ऐसी ये बिल्कुल उस आराध्य के अलंकार का निरूपण और सामीप्य की इच्छा रखते हुए बिहारी का भी यह दोहा है। ध्रुवदास भी जीवन जुगल ध्रुव एक ठाव पाई, वो एक ठाव पाते हैं, अरुण उनके भी पद में आप पढ़ेंगे कि अरुण कमल मुस्कान मनु फबरे, यह जो मुस्कान है वह अरुण कमल की तरह फब रही है, और वे भी इस तरीके से श्री कृष्ण को चाहते हैं, श्री कृष्ण का वर्णन करते हैं। हालांकि यह भक्तिकालीन और रीतिकालीन के ध्रुवांत की कविता है, तो इसमें दो अर्थ निकाले जा सकते हैं। वहीं कृष्ण भक्ति शाखा के एक कवि रसखान हुए, उन्होंने भी इस श्री कृष्ण के सामीप्य पर सब कुछ, आठों सिद्धि, जो आठ सिद्धियां हैं और नौ निधियां हैं, वो सब कुछ त्याग देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण का सामीप्य चाहते हैं, श्री कृष्ण जहाँ रहते हैं उस जगह को चाहते हैं, और वे कहते हैं, या लकुटिया रुकामरिया पर राज तिहुँ पुर को तज डारो, आठों सिद्धि नौ निधि के सुख नंद की गाय चराय विसारो, नयनन सो रस खान जब ब्रज के बन भाग तड़ाग निहारो, के तक ही कल धौत के धाम करी लके कुंजन ऊपर वारो। अर्थात सामीप्य की इच्छा और अपने आराध्य का अलंकार उसके प्रेमी का कार्य व्यापार है, और इस कार्य व्यापार को मीरा बहुत सुंदर तरीके से, बहुत गेयात्मक ढंग से, बहुत रागात्मक ढंग से संभव बनाती हैं। ऐसा पद आप सबों ने सुना मीरा की कविताओं के, इस कविता के बहाने मीरा के भक्ति भाव पर आपसे चर्चा हुई, आप सबने सुना, आप सबों के प्रति बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से आप YouTube के जरिए भी जुड़ सकते हैं। वीडियो रूप में स्टडी मटेरियल और विश्वविद्यालय की गतिविधियों को सबसे पहले जानने के लिए उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के YouTube चैनल UOU Live को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिए।